मुलाना में फायर ब्रिगेड की सुविधा न मिलने के कारण लोगों में काफी रोष है। 18 गांव की पंचायतों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा मिलने की मांग की है। उकलाना क्षेत्र में कई सालों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ना होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन की परिस्थिति में लोगों को फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में वे कई बार संबंधित विभाग को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसमें दमकल की गाड़ी के लिए मांग करते हुए सभी ने और जो ज्ञापन मेरे पास आया है, ये ज्ञापन में उच्च अधिकारियों को भेज दूंगा आज ही, लेकिन आज वो उनका माध्यम से ऊपर सरकार को चला जाएगा और जल्द इस पर नियम कार्रवाई हो जाएगी। वहीं अब 18 पंचायतों ने तहसीलदार के जरिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंप कर फायर ब्रिगेड की सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो मजबूरन धरना प्रदर्शन करेंगे। 18 पंचायतों की तरफ से कि वो जल्द से जल्द इस प्रमुख मांग और ये सुरक्षा मांग के लिए भी अति आवश्यक है, इसलिए हमारी मांगों पर अति शीघ्र ध्यान देते हुए तुरंत अग्निशमन गाड़ी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। फिलहाल देखना ये होगा कि लोगों की मांग कब तक पूरी होती है और कब तक उन्हें फायर ब्रिगेड की सुविधा मिल पाती है।